मैं हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरुमंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। तो हमेशा की तरह शो की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम किस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज का विषय है ऐसा क्यों। आप सोच रहे होंगे ये कैसा विषय है। हमारे जीवन में, हमारे समाज में या हमारे परिवार में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका आपकी कुंडली से भी संबंध होता है। तो बस गुरुदेव से आज हम जानेंगे कि आखिर ये एस्ट्रो कनेक्शन क्या है ऐसा क्यों के साथ। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां आप गुरुदेव से अपना सवाल भी कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है आप हमें उस पर मेल भी कर सकते हैं। आपको उसके जरिए हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा पर उससे पहले जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। कामकाज में मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी और परिवार के साथ भी आपका आज समय अच्छा व्यतीत होगा, मन प्रसन्न होगा। परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता के परिणाम निराशाजनक आने की संभावना है और वाहन के प्रति आज थोड़ा सचेत रहना है क्योंकि एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है। वृषभ राशि वालों को आज थोड़ी धन से संबंधित चिंताएं तो सता सकती हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। इनके अलावा बाकी का दिन उत्तम है। परिवार का अच्छा साथ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ काफी आकर्षण बनेगा। मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि वालों का आज दिन उत्तम नहीं है। हाँ, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का परिश्रम के अनुरूप सफलता जरूर मिलेगी परंतु किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है और आरोपों की भरमार हो सकती है। तो आज थोड़ा संभल के दिन गुजारें उत्तम रहेगा। तो चलिए गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है। पहले सवाल से शुरुआत करती हूँ, ऐसा क्यों है आज का विषय। कई चीजें, कई घटनाएं हमारे आसपास ऐसी होती हैं, बहुत सी चीजें छोटी छोटी बड़ी भी, कि हम सोचते हैं कि एकदम से हमारा जीवन अच्छा चल रहा था, ये एकदम से ऐसा क्यों हो गया। तो इसका हमारे ग्रहों से, हमारे नक्षत्र से, हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है। बेटा, जो भी चीज हमें मिल जाती है उसके लिए तो क्यों कभी नहीं पैदा होता, लेकिन उसके लिए क्यों जिसको नहीं मिला है उसके मन में पैदा होता है कि क्यों उसको मिला है मुझे नहीं मिला। पर जब किसी के साथ बुरा पैदा हो जाता है और एक नॉर्मल इंसान जो इमोशनल और अच्छा दिल भी रखता है, अच्छी समझ भी रखता है, जब उसे कोई बात समझ नहीं आती कि मान लो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मेरी ही हम उम्र का कोई भी इंसान है उसको अचानक कोई बड़ी बीमारी लग गई, तो बेटा तब भी पैदा होता है यह सवाल कि ऐसा क्यों। समझे, हम सब लोग कहते हैं ना कि हम सब लोग बराबर हैं, हमारे वही नाक है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, सब इंसान बराबर हैं। बेटा लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान की अपनी समझ है, हर इंसान की अपनी वर्किंग है, हर इंसान का शरीर बिल्कुल अलग है, उसकी खासियतें अलग हैं, उसकी कमियां अलग हैं। तो ये जब सबकी ही अलग अलग हैं, तो बेटा ये तो स्वाभाविक ही हो गया कि रोज ही ये क्यों जन्म लेता है। तो मैं तो यही आपको कह सकता हूं कि बेटा ये क्यों का जवाब जो जो कोई जानना चाहे वो अपना अपना सवाल वाकई में पूछ सकता है कि ऐसा क्यों। गुरुदेव, हमारा शो बहुत बड़ा हो गया है और आज हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो देश के अलग अलग कोने से आए हैं हमारे साथ, और आज का विषय ही ऐसा है जो कई सवालों को जन्म देता है, यानी ऐसा क्यों। और अगर आप में से कोई भी इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है या आसपास कुछ हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो पूछ सकते हैं। माइक प्लीज दे दीजिए।
जय माता दी। जय माता दी बेटा। मेरा नाम विजय है, मैं सहारनपुर से आया हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं और बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए, उतना हिस्सा नहीं मिल पाता हमें उस चीज का। तुम्हारे ये क्योंकि सवाल से आज बहुत लोगों का फायदा होगा बेटा, बहुत लोगों का फायदा। हमारी बेटा जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली क्या होती है मैं पहले तुम्हें वो बता देता हूं कि जब इंसान पैदा होता है उस वक्त में आकाशमंडल के अंदर जो ग्रह बिल्कुल आगे होते हैं और जिनका सबसे ज्यादा असर इस धरती पर पड़ रहा होता है, उस समय के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा होता है बेटा, उस बच्चे के अंदर उन ग्रहों के गुण सबसे ज्यादा होते हैं। और जो मध्य में ग्रह होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो मध्य में ग्रह वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी तो एनर्जी धरती पे भेज ही रहे हैं, लेकिन जो अपने से आगे ग्रह पड़े हुए हैं उनके ऊपर दृष्टि डाल के उनकी ऑरा के अंदर अपनी ऑरा को और मिक्स करके, उनकी एनर्जी के अंदर अपनी एनर्जी और मिक्स करके जब धरती पे भेज रहे होते हैं तो एक नई ताकत का जन्म हो रहा होता है, समझे? तो उसका असर भी उसके अंदर आ गया, लेकिन ये कम मात्रा में, समझे? और एक होते ग्रह जो बिल्कुल उस वक्त में पीछे होते हैं, जो अब वो उस वक्त में जो पीछे ग्रह है वो अगर एक आध हुआ तो बच्चा बड़ा अच्छा और बहुत समझदार पैदा होता है। अगर वो दो हुए जीवन फिर भी ठीक ठाक चलता है, लेकिन अब वो समय ही ऐसा है जिसके अंदर तीन चार ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, समझे? तीन के ग्रह जो बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छी ताकत लेकर के धरती पे डाल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रह ऐसे हैं कि वो इधर उधर इस वक्त ज्यादा है, धरती पे ज्यादा दृष्टि नहीं डाल रहे या उनकी ताकत यहां धरती पे नहीं आ रही। उस वक्त में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसके अंदर वो गुण ही कम होता है उनका, और हर ग्रह का एक सिस्टम है कि वो ये वाली ताकत देगा और ये वाली सोच देगा, और वो ये ताकत देगा और ये सोच देगा, और इस सोच के बिहाब पे अब ये बच्चा ये वाला गुण भी है और इसके कारण ये एग्जीक्यूट करके अपने आप को दिखा देगा, समझिए? तो सारा सिस्टम यही है। अब कई लोग मैथमेटिक में बड़े होशियार होते हैं, कई लोग नहीं, वो दूसरी भाषाएं बोलने में बड़े तेज होते हैं, कई लोग सिर्फ मैनेजमेंट में तेज होते हैं, कई लोग सिर्फ आइडिया के लिए तो बड़े टॉप के हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूशन करना हो तो बिल्कुल जीरो है, वो कर ही नहीं पाते। ये सारी ताकतें बेटा ये जन्म कुंडली डिसाइड कर देती है जब आप पैदा हुए। तो हमने कहा कि मैं काम करते हैं हम लेकिन उसका फल नहीं मिलता, ये सिचुएशन दो तीन हालातों के ऊपर डिपेंड होती है बेटा। कैसे? कई लोगों की जन्म कुंडली का लाभ स्थान जो कि 11वां घर होता है उसके अंदर अगर कोई बुरा ग्रह बैठा हुआ है, कोई भी बुरा ग्रह, तो बच्चा जो पढ़ाई करता है उस स्ट्रीम में नहीं जा पाता, जो बच्चे ने सीखा हुआ जीवन के अंदर उसमें तो किस तरह से उसको लाभ तक पहुंचाए ये नहीं कर पाता, जो इंसान वर्किंग कर रहा होता है, अब वो वर्किंग कर रहा है वो अपने दिमाग में सिर्फ इतना सोच रहा है कि इससे मेरे को लाभ मिलेगा, पर वो एक पॉइंट ये छोड़ देता है कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं ये मैं किसको जाकर दिखाऊं या किसको जाकर के पूरा दूं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रूप में आगे उसको सेल कर सके जो मेरी मेहनत की चीज बनी हुई है, समझे? ये लोगों तक पहुंचा सके, जो ये सोच लेता है बेटा उसको लाभ मिलता है, जो ये नहीं सोचता उसको लाभ नहीं मिल रहा होता, ये एक लड़ी होती है। तो ये सारी जो चीज चलती है ये जन्म कुंडली के छठे और ग्यारहवें घर से चलती है। जन्म कुंडली का जो छठा घर होता है ये होता है तीक्ष्ण सोच, आइडिया, वो आइडिया जो तुम्हें अपने जो भी काम तुम कर रहे हो उसके एंड तक की कड़ी को दिखाएगा कि लाभ कहां से पैदा होगा। और जन्म कुंडली का 11वां घर वो तुम्हें यहां इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने तक और एंड तक पहुंचाने तक कौन कौन सी बातें किससे करनी पड़ेंगी, कौन सा जरिया बनाएगा और कहां तक ये लेके जाएगा, वो जो 11वां घर है वो समझ देता है, समझे? प्लान ये करता है, समझ वो देता है। तो जिसके भी ये दो घर खराब है वो जो वर्किंग कर रहा होगा उसका लाभ नहीं होता, समझे? अब ये लाभ मिले इसके लिए हमारे यहां पर भारत देश में बुजुर्गों ने बड़े सारे संस्कार बनाए थे जिनको हम भूल गए,
उस साइंस को हम भूल रहे हैं और ढकोसले कहके इनको छोड़ रहे हैं। और जब हम इतनी बड़ी साइंस को ढकोसले कहके छोड़ रहे हैं तो बेटा उसका खामियाजा भी तो हम ही उठाएंगे। अब काम करेंगे लाभ नहीं होगा। अब जो तो जन्मजात लेके पैदा हो गए, छठा घर ग्यारहवां घर एक्टिव, वो कामयाब है। लेकिन कामयाब होने का राइट तो धरती पे हर इंसान को है ना। जो नहीं हो रहा वो भी तो हाथ पांव मार ही रहा है, क्योंकि जीवन तो उसी से चलेगा। तो अब हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए क्या संस्कार बनाए थे, क्या संस्कार बनाए थे? वो बनाया था कि जैसे ही शादी होती है कुआं पूजन के लिए जाते हैं। औरतें जाती ना कुआं पूजने के लिए, पंजाब के अंदर वो तालाब के अंदर पूजने जाते थे, कुआं पूजन किया जाता था। तालाब हो कुआं हो, ये बेटा जन्म कुंडली का छठा घर होता है, ये हमेशा याद रखना है। और जब भी समय समय के ऊपर, पहले तो कुओं से पानी निकाल के पिया करते थे, छठा घर वैसे बड़ा जागृत रहता था। देखा ना, पहले लोग हंसी मजाक करते थे, एकदम फड़कने से जवाब निकालते थे, बड़ी समझदारी की बात करके समाज को जोड़ देते थे। वो छठे घर का कमाल हुआ करता था, वो छठे घर का कमाल हुआ करता था कि एक आदमी बोलता था सारे सुनते थे, उनको समझ आती थी बात, उसी वक्त मान जाया करते थे। ठीक है, छठा घर जिसका एक्टिव हो जाता है बेटा, उसमें लीडरशिप क्वालिटी वैसी बड़ी तगड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये जिसको भी लाभ नहीं मिलता बेटा, वो अपने घर की भूली बिसरी वो कुआं पूजन की प्रथा को दोबारा जागृत करे। जिनके यहां तालाबों को पूजा जाता था, समझे, वो तालाबों को पूजना शुरू कर दे। और उस वक्त में माँ बाप या जो हमारे बुजुर्ग या हमारा जो मास्टर बेटा, वो जो चीज अर्पण किया करते थे कुएं को या तालाब को, कईयों के दलिये चढ़ाते थे, कईयों के दूध चढ़ाते, कईयों के खीर चढ़ाती है, कईयों को फूल चढ़ाते, समझे, वो उनको वहां अर्पण करना शुरू करते, समझे। और इसको लाल किताब के हिसाब से देखे इस साइंस को, कि अगर ये ताकत पूरी तरह से जोड़ी तो बेटा वही पूजा विधि 43 दिन लगातार कर दो, चाहे कुएं पे चाहे तालाब पे, तो आपकी वो ताकत जागृत हो जाएगी। अब दूसरा ग्यारहवां घर, ग्यारहवां घर है ज्ञान से प्रेरित, और वो ज्ञान जो एग्जीक्यूशन भी कर रहा है, जो ये तुम्हें समझाता है कि तुम्हारा इस दुनिया के अंदर कौन कौन सा इंसान तुम्हारे काम का है, किस इंसान को पकड़ो तो तुम्हें एंड तक पहुंचा देगा, ये वाला ज्ञान जो देता है वो जन्म कुंडली का ग्यारहवां घर देता है। और जन्म कुंडली के ग्यारहवें घर को जगाने के लिए यहां पर जो जरूरी नहीं बेटा कि पंडित ही जनेऊ पहनते थे, जो भी बच्चा शिक्षा दीक्षा के लिए किसी ऊंचे गुरु के पास जाता था तो गुरु क्या करते थे, अपनी शरण में जब लेते थे तो साथ में जनेऊ उसे धारण करवाते थे और संस्कारों में बांध देते थे उससे। ठीक है, तो ये जो जनेऊ धारण की विधि है ये भी जन्म कुंडली के ग्यारहवें घर को जगाने के लिए थी, कि ताकि इसको अकल ज्यादा से ज्यादा आए, संस्कारों में रहे, गुरु की बात सुने और पूरी प्लानिंग बनाना सीख जाए। ठीक है, ये चीज। दूसरा, बच्चों का सबसे पहले मुंडन करवा देते थे जब गुरु के पास जाते थे। क्या करते थे, गुरुकुल में जाते हैं, सबसे पहले इसके बाल उतरवाओ। आज के युग के लोग कहते हैं कि नहीं यार, वो तो इसलिए कहते थे कि ये बच्चा भटके ना, बदसूरत लगे और ये वो, ऐसा नहीं बेटा। ये जो हमारा स्कल्प है इसके ऊपर ये जो बाल उगते हैं, ये बाल है शनि। जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो वो सिर्फ जो शनि वाली एनर्जी है उसको अडॉप्ट करता है, उसको चुनता है। उससे क्या होता है, शनि जिसके कुंडली में बुरा बैठ गया उसने क्या करना है, उसने सिर्फ ऐसा ही सोचना है, उसके अंदर घमंड आना है, ले मैं बड़ा बन गया, मैंने ये चार शब्द सीख लिए, अब मैं ये दुनिया को दिखाता हूं, अब मैंने ये सीख लिया, चल मैं उसको दिखाता हूं। उसमें ज्ञान की मात्रा कम रहती है और थोड़ी सी बात के ऊपर लड़ना शुरू करता है, समझे। इसीलिए गुरुओं ने ये टंटाई खत्म कर दिया कि पहले इसके बाल मुंडवाओ। बाल मुंडवा दिए, क्या हुआ, अब यहां पर ये सारा जितनी सोच विचार है यहीं से चलनी है। अब बुध की एनर्जी वो भी अंदर जाने लगी, नसों को स्ट्रांग करने लगी, बृहस्पति की एनर्जी वो भी अंदर जाने लगी, ऑक्सीजन लेवल को पूरा करने लगी, सूर्य की एनर्जी जो धैर्य सिखाती है, इंसान को झुकना सिखाती है और लीडिंग पावर भी देती है कि कहां पर लीड कर जाना है अचानक, वो वाला भी एनर्जी अंदर जाने लगी। यानी एक शनि हटाते ही समझे इतना कुछ अंदर जाने लगा, ये बाल हटाते ही जब वो अंदर जाने लगा बेटा, अब तेजी से हो रहा है, बल्कि तो अब जल्दी से ये बढ़ रहा है। अब वो बढ़ती एनर्जी के अंदर साथ साथ ये ऊर्जा अंदर उसके सर से जाती रहेगी बेटा, वो भी तेजी से बढ़ेगी, वो बढ़ती गई। बच्चा क्या हुआ, जब युवा अवस्था तक आया बड़ा काबिल बन के निकला और उसका ग्यारहवां घर पहले ही एक्टिव दिखा, समझे। लेकिन अब
जिसको भी ये प्रॉब्लम है बेटा, सबसे पहले तो वो सर ढकना शुरू कर, सर ऐसे रंग के साथ ढके कि जिसमें नीला या काला रंग ना हो, यानी कि टोपी पहने, पगड़ी पहने, कुछ भी पहने, लेकिन नीला काला रंग ना हो। तो इससे क्या है, अब प्लानिंग बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि जो काम कहीं दिखावे की लाइफ में ज्यादा लेकर के जाता है, उससे इंसान को छुटकारा मिलने लगेगा। अब इस घर को और जगाने के लिए इस ताकत को अब ऊपर से तो कर नहीं रहे, कारण ये कि बहुत लोगों को अब शर्म आती है बाल कटवाने में, तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, गले में एक पीले रंग का धागा डालना है ताकि बृहस्पति की एनर्जी वो उसके आसपास में ही रहे, क्योंकि वो जो सूत का धागा होता है या सोने की चेन होती है आसपास में ऑक्सीजन लेवल को इकट्ठा करके रखती है अपने पास में। अब वो सूत के आसपास या सोने की चेन के आसपास अगर ऑक्सीजन लेवल घूमता रहेगा तो वो नथनों से जाएगा तो अंदर ही, वो जितना जाएगा दिमाग उतना खुला रहेगा, और जितना खुला रहेगा आप उतना परफेक्ट सोच सकते हो। तीसरा एक और काम कर दो, केसर जो बृहस्पति की पक्की वस्तु है समझिए, वो लेके हर रोज सुबह उसके अंदर पानी डालो, उसका जब रंग छूट जाए यानी कि उसका असर उसका अर्क आ गया आगे, उसको ये बीच वाली उंगली छोटी से बड़ी उंगली इससे लेकर के उसको पहले सबसे पहले अपनी नाभि में लगाओ, क्योंकि जब हम माँ के पेट में होते हैं बेटा यहीं से खाना यहीं से ऑक्सीजन सब कुछ इंसान के अंदर यहीं से जा रहा होता है। अब ये बंद तो है लेकिन ये फिर भी इतनी एक्टिव होती है कि जो तुम यहां लगाओगे वो अंदर जाएगा, इसलिए पुराने बुजुर्ग जब भी नहाते थे सबसे पहले अपनी नाभि के अंदर सरसों का तेल लगाते थे, ये चीज भी लोगों को पता होगी। वो क्यों लगाते रहे, क्योंकि यहां पर जब भी आप तेल लगा करके चलते तो आप ज्यादातर बीमारियों से बचे रहते, समझे, खास तौर पे वो बीमारियां जिनसे की खांसी पैदा होती है, जिनसे की दर्द पैदा होते हैं, उन सब से बचाव होता है, इसलिए यहां पर तेल लगाना जरूरी होता है। चलो मैं आज तुम्हें केसर कह रहा हूं क्योंकि तुमने लाभ कमाना है, तो सबसे पहले नाभि में केसर लगा, फिर उसी से लेकर के अपने माथे पे लगा लो, ये दोनों भवों के बीच है, उसका एक रीजन है बेटा, जो ज्ञान अर्जित करने की जो सबसे बड़ी ताकत का मालिक है नस, वो यहां होती है दोनों भवों के बीच में। जो भी बच्चा लिखाई पढ़ाई ज्यादा ना कर पाता हो, याद ना रहता हो, समझे, वो उस इंसान को चाहिए कि सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए अपने यहां पर हल्की हल्की मसाज करें, हल्की हल्की मसाज करें, उसकी याददाश्त बढ़ने लगेगी, क्योंकि यहीं पर वो नस है जो ये याद रखने की ताकत को बढ़ाती है, ठीक है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारे यहां सनातनियों को ये तिलक लगाने की प्रथा बताई। अब तिलक कितनी तरह के, कोई सफेद चंदन लगाता है, कोई गोरोचन लगाता है, कोई पीला चंदन लगाता है, कोई लाल चंदन लगाता है, कोई सिंदूर लगाता है ना, वो जरूरत के हिसाब से किया। भाई जो हनुमान जी के उपासक है जिनको ताकत चाहिए वो सिंदूर लगाओ, जिन्होंने ज्ञान अर्जित करना है वो पीला चंदन लगाओ, जिन्होंने कर्म क्षेत्र के अंदर उतरना है समझ गए, और जोश वाले कर्म करने हैं वो सफेद चंदन लगा लो, क्योंकि जोश का कारक है सफेद चंदन। लेकिन आपको लाभ चाहिए तो बेटा पीला चंदन ही लगाना पड़ेगा या केसर का तिलक ही लगाना पड़ेगा, तो वो लगाया, ठीक है। उसके बाद में यही केसर थोड़ा सा लिया अपनी जुबान के ऊपर भी लगा दिया, तो इससे बृहस्पति यहां से भी अंदर गया, यहां से तो जा ही रहा है नस से, और यहां नाभि से जा रहा है। तो ये अब आपको प्लानिंग की ऐसी बुद्धि देने लग जाएगा कि जिससे कि आपका लाभ जागृत होने लग गया, इसे बोलते हैं ग्यारहवां घर जगाना। तो बेटा आज के बाद ये ध्यान रखना, जिसको भी अपने कर्म का फल ना मिल रहा हो तो सबसे पहले अपने माता पिता से पूछ लो कि आप कुआं या तालाब पूछते हो, क्या पूछते हो मेरे को बता दो, और उसकी विधि बता दो, तो जाके पहले वो पूछो। और गले में सोने की चेन हो, पीला धागा हो, जरूर पहनो, और केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पे लगाते रहो, लाभ अपने आप चल के आप लोगों के पास आएगा, ठीक है बेटा, खुश रहो। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले जानना चाहेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि, कामकाज अच्छा बना रहेगा, मित्र या परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, यात्राएं भी हो सकती हैं और मन प्रसन्न रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज दिन कोई खास उत्तम नहीं है, आज आप अपनी इच्छा के अनुसार काम तो करेंगे लेकिन अड़ियल स्वभाव होगा, जिसके कारण भाई बंधुओं से खटपट भी बनी रहेगी, घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि आज काफी उत्तम है, किसी मांगलिक
आयोजन में सहभागी होने का मौका मिल सकता है और नवीन लोगों के साथ मित्रता होगी और मनोरंजक यात्राएं भी संभव है। तो आज का दिन आपका तो काफी उत्तम होने वाला है। तो चलिए, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़े उससे पहले जानना चाहेंगे तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। तुला राशि का दिन आज थोड़ा खट्टा मीठा है। यात्राओं पर जा सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल होने के अवसर मिल सकते हैं, परंतु पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाएगा और किसी से मतभेद परेशानी का कारण बन सकते हैं। वृश्चिक राशि का दिन बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि यात्राएं हो सकती हैं, मित्र वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, कामकाज में लाभदायक फल बने रहेंगे। धनु राशि का दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता तो मिल सकती है, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गुरुदेव, आज हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि ऐसा क्यों। जैसे हमारे बीच माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं, उनके सर पर लाल चुनरी है, तिलक लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं, ऐसा क्यों? बेटा, ये जो पूजा का विधान भी बना है, ये पूजा का विधान सही मायने में आपके यहाँ आसपास में पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और दूसरा कहते हैं माहौल का असर जरूर रहता है, ठीक है ना। तो ये जो पूजा पाठ के विधान के अंदर ये जो लगाया जाता है कि तांबे के लोटे के अंदर ही जल रखना है, और या पीतल की थाली या तांबे की ही थाली हो उसके अंदर हम पूजा की सामग्री रखेंगे, ठीक है। फिर कलावा भी रखा जाता है जी, कलावा ये बांधा जाता है, तिलक भी लगाए जाते हैं, माता रानी को भी लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है। ये क्या है? किसी भी कर्म को करने के लिए हमें सबसे पहले कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जब तक हमारा ध्यान प्रक्रिया बाधित रहेगी, हम जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। और जब आप किसी चीज को शिद्दत से करते हो, पूरे जोर से पूरा ध्यान लगा के करते हो और किसी चीज में पूरा डूब के करते हो, उस कार्य को सफल होना ही होता है। यह बात सत्य है, समझे। पूजा पाठ की जो सामग्री है बेटा, उसके अंदर खास तौर पे हमें यह ध्यान रख के ये पूजा पाठ की सामग्रियां बनाई गई कि इसके अंदर मंगल का मिश्रण सबसे ज्यादा, क्योंकि घर में जब खुशी मनानी होती है उस वक्त में अपने ही घर में अपने ही घर वालों का, उनका ही अच्छा बुरा और उन्हीं के बारे में सोचने का हमेशा ध्यान रहे त्योहारों में बेटा, तभी त्योहार अच्छे बन पाते हैं, समझे। अब ऐसे में क्या किया कि माहौल के अंदर जो खुशी देखी जाती वो भी मंगल से ही देखी जाती है, ठीक है। तो अब इसको क्या किया, मंगल की वस्तुओं से सारा भर दिया। ये लड्डू है मीठे मीठे गोल गोल बूंदी के, बेटा ये भी मंगल के ही कारक है, इसमें चाशनी भरी हुई है मीठा, ठीक है। इसके अंदर जो फल भी रखे जाते हैं, ज्यादातर फलों में लाल ही रंग होता है, पीला ही होता है, मीठे होते हैं, ये भी रखे जाते हैं। फिर उसके आगे क्या किया, तांबे की थाली, तांबे का लोटा। तांबे में खासियत क्या है, इसके अंदर आसपास के जो जर्म्स होते हैं जो बिल्कुल उड़ते बिल्कुल हमें नजर नहीं आते बेटा, वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते तांबे के ऊपर। तांबे में इतनी ताकत होती है कि उनको छिटक देता है, इनके अंदर अपनी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तांबे में, जिसकी वजह से इसके अंदर रखा हुआ जल पवित्र रहता है। जब चनामत के रूप में हम वो भी लेते हैं तो वो भी एक तरह की इम्यूनिटी बढ़ाता है। फिर हम जब कलावा बांधते हैं, कलावे में भी आलवे देखो, ये पीला रंग तो अब ज्यादा आने लग गया, नहीं तो ज्यादातर हमेशा लाल ही रंग हुआ करता जी। लाल रंग जिसकी कलाई के ऊपर बना हुआ होगा, खासतौर पर ये पोर्शन पे, ये इसे बोलते हैं मनी मन। इस मनी मन से हर सारा खून होकर के गुजरता है, ये हाथ के चलने की वजह से और वर्किंग ये प्रेशर पॉइंट दबने की वजह से बार बार एनर्जी होकर के हमारे अंदर जाती है, वो जो हमें स्वस्थ बना रही होती है, वो एनर्जी अंदर जा रही होती है। तो उससे क्या होता है, यहां पर अगर लाल रंग का कोई कलावा बना हुआ हो या धागा हो
वो लाल रंग की एनर्जी और ज्यादा खून को गर्म रखना, उसको सेल्स को ताकतवर बनाई रखना और सही जगह तक पहुंचाना, नसों के अंदर कहीं बाधा ना आए, उसको प्रॉपर 37 डिग्री के ऊपर पहुंचा के, हो सकता है 2 डिग्री और ऊपर करके चले, जिसकी वजह से प्रॉपर खून अपनी अपनी जगह ऑक्सीजन को साथ में लेकर के चलता है। तो बेटा इतना बड़ा काम ये कलावा बांधने से हो रहा है, और अगर ये इतना बड़ा काम हो रहा है बेटा तो ये तो साइंस है सर, और ये साइंस इस चीज को भी इंडिकेट करगी कि आपने आपके अंदर कंसंट्रेशन जगा गई, भावना जगा गई, अपनों के प्रति प्यार जगा गई, और आपको अच्छे संस्कारी बन के रहना है, ये ज्ञान को भी जगा गई, समझे? तो बेटा पूजा के वक्त में इसीलिए सिंदूर, रौली, मौली और तांबा इसका प्रयोग होता है। गुरुदेव अक्षत का क्या महत्व है? अक्षत, अक्षत किसे बोलते हैं बेटा आप लोग जानते हो? शाबाश, बिल्कुल बहुत अच्छे। अक्षत उसे इसलिए बोला जाता है जो कभी ना खत्म हो। अक्षत जमीन में गिर जाए, यानी कि चावल जमीन में गिर जाए तो नया पौधा पैदा कर देगा, माथे पर लगा दो तो बेटा वो ठंडक पैदा कर देगा, समझे? और बना के खा लो तो तंदुरुस्ती दे देगा, ठीक है ना? इसलिए अक्षत, यानी कि जो ना मिटने वाली चीज इस धरती पे है वो है चावल। इसीलिए आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाओ, गेहूं आटा नहीं मिलेगा, वर्ल्ड वाइड जहां भी मिलेगा आपको चावल ही मिलेगा, जहां मर्जी चले जाओ, ठीक है? तो इसीलिए इसे अक्षत माना गया, और सदियों पहले ही हमारे ये ऋषि मुनि समझ गए थे, तो वो चावल। दूसरा, हमारे यहाँ दिन त्योहार हो, कोई खास पूजा हो भगवान की, तो क्या जलाया जाता? दीपक। दीपक किसका जलाते हो? देसी घी का, ठीक है? अब देसी घी का जब दीपक जलता है तो क्या होता है? क्या वो परमात्मा तक पहुंच जाता है? हाँ, परमात्मा तक पहुंचता है, लेकिन उसके जरिए तुम ही होते हो। कैसे जरिए होते हो? जब दीपक जलाया जाता है तो सबसे ज्यादा अच्छे वाली जो ऑक्सीजन बनती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिसके अंदर याद रखने की ताकत और दिमाग को ठंडा रखने की ताकत होती है, वो वाली जो शक्ति है ना, वो सिर्फ घी में है, देसी घी में। इसीलिए हर हवन कुंड के अंदर देसी घी का ही प्रयोग किया जाता था, हर हवन के अंदर देसी घी का प्रयोग किया जाता था। तो जैसे हम इसे जलाते हैं, कंसंट्रेशन भी, ठंडा दिमाग भी, ज्ञान की ताकत भी ये दीपक से मिलने लगी। अक्षत लगाया, उससे भी दिमाग का ठंडापन और धैर्य वो बढ़ने लगा। अब मंगल तो बढ़ा दिया। अगर चंद्र का प्रयोग यहां नहीं किया, ये भी हो सकता कि त्योहार वाले दिन में तुम्हारे यहां तांडव हो जाए। वो तांडव उनके घरों में ज्यादा हो जाता है जो कि लाल रंग के वसुए, मंगल की वसुओं की पूजा तो सारी कर लेते हैं, लेकिन ये घी का दिया जलाना जो भूल जाते हैं। तो उस गर्मी को भी कंट्रोल करने के लिए ये अक्षत को लगाना और इस देसी घी के दिए को जलाना बहुत जरूरी है, इस बात को समझ के चलना, वरना ये लाल रंग कईयों को त्योहार वाले दिन भी गुस्सा देकर के त्योहार का कुछ और ही बना देता है, ठीक है बेटा? तो ये तरीका है बेटा पूजा पाठ के विधान का, ये 100% साइंटिफिक है, 100% साइंस को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, लेकिन लोगों में संस्कार रहे, श्रद्धा रहे, प्यार रहे और सहजता से जिंदगी को, धैर्य से चला करके जिंदगी के अंदर ऊंचे पड़ावों को पाए, इसके लिए बेटा भगवान की मूर्तियां भी रखी गई, समझे? ताकि कोई भी मानुष अमानुष बन के ना तरक्की पाए, वो मानुष वाकई में मानुष बन के तरक्की पाए, इसलिए हमें भगवान को रखना बहुत जरूरी है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा जाने वाला है वो जान लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले अगर आज किसी बात पर अपने मित्रों से अनबन ना करें तो दिन उत्तम होगा, फिर परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे संबंध बने रहेंगे और शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते तो हर तरह से दिन उत्तम होगा, परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है आज, और कामकाज के प्रति नया उत्साह मन में बना रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों का दिन आज कुछ खास उत्तम नहीं है, पहले से जो आप कामकाज कर रहे हैं उनमें तो सफलता आज आपको मिलेगी, परंतु आज धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर सावधानी से करें, वरना नुकसान के योग है, और विपरीत घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे, और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मन आज पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहेगा, यह फल आपके अनुकूल नहीं रहेंगे।
चलिए अब समय हो गया गुरुदेव लोगों से भी सवाल लेने का। अगर आप लोगों को कोई निजी सवाल है वो भी पूछ सकते हैं, कुंडली से संबंधित अगर किसी की जिंदगी में कोई परेशानी। मेरा नाम योगिता है, मैं सुल्तानपुरी से आई हूँ। हाँ योगिता बोलो बेटा। सर एक्चुअली मैं किसी गुरु जी मैं किसी भी काम के लिए जाती हूँ तो वो काम हो ही नहीं पाता, कहीं भी जैसे नौकरी के लिए गई या नौकरी का फॉर्म वगैरह भरती हूँ तो वो भी नहीं हो पाता, उसमें भी सिलेक्ट नहीं हो पाते और यही वजह है। फिर यही मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम किसी काम के लायेगी नहीं। बेटा तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ टाइम है? हाँ जी मेरे 24/11/1984 4:10 शाम को बताया था 24/11/1984 दोहरा दीजिए एक बार, समय भी दोहरा दीजिए। 24/11/1984 4:10 शनिवार का दिन 4:10 सुबह के बेटा शाम को शाम के। कहाँ का जन्म है बेटा तुम्हारा? दिल्ली में ही हुआ, तिलक नगर में। बेटा बहुत बार आपने हमारे ग्रंथ भी पढ़े, बहुत सारी कहानियां सुनी, ये जो शास्त्र हमने पढ़े महाभारत भी पढ़ा रामायण भी पढ़ी सब कुछ देखा है, इसके अंदर ना बहुत बार जिक्र आता है कि पिछले जन्म में इतने जन्म पहले इसने ये किया था, उतने जन्म पहले इसने ये किया था, तब वहां से श्राप मिला और ये वो हुआ। रियलिटी पे बेटा ये जो शास्त्रों के अंदर ये जो चीजें बताई गई थी ये इसलिए बताई गई थी कि किसी भी इंसान को ये समझ आए कि मुझे बुरा बन के कुछ नहीं करना, मुझे संस्कारों के ज्ञान के सामाजिकता के दायरे में रह के ही सब कुछ करना है और वो काम थोड़ा सब्र से होगा लेकिन हो जरूर जाएगा। आप जितनी भी कहानियां इनको पढ़ के देखो इनके पीछे जो समझाने का जो तथ्य है वो इसी चीज को आधार मान के कहा गया कि हम लोग सुधर के काम करें बिगड़ के। अब जैसे इस बच्चे का है योग्यता का, इसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि इकट्ठे और राहु देव की दृष्टि। बेटा तुम्हारी आंखों का क्या हाल है? हाँ क्योंकि जिसका सूर्य ही खत्म हो गया जन्म कुंडली के अंदर, राहु और शनि ने ढक लिया, उसकी आंखें कहां से बचेंगी। फिर इसके अंदर बेटा इरिटेशन बहुत जल्दी, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती है ये, समझे। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टोटली गिरा हुआ है, किसी भी चीज को करने के लिए सिर्फ सोचती रह जाती है, हिम्मत नहीं कर पाती, समझे। फिर तीसरी चीज चंद्र और बुध। चंद्र बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा कि वो सोचते कुछ है बोलते कुछ है, समझे। एक बात इधर वो मुंह से निकाल रहे होते हैं, दूसरी नई प्लानिंग अपने अंदर ही अंदर और चला रहे होते हैं कि अब ऐसी बात आई तो मैं ये बाउंसर फेंकूंगा। लेकिन ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, जैसे इसके अंदर नहीं है, इसका दिल और दिमाग एक है, एक टाइम के ऊपर ये एक ही चीज को सोच के उसी को समझ के उसके अनुसार बहाव में बहती है। अब ये चंद्र बुध ये भी इसको कमजोर कर गया। अब इसके मात्र ये दो ग्रह, ये दो योग जिसके अंदर 5 ग्रह इन्वॉल्व हो गए, बेटा ये इतने खराब हो गए कि इसको जिंदगी के अंदर तरक्की करना, इसको पाना, हिम्मत करके सब कुछ कर जाना, हर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका इसके अंदर खत्म हो गया, क्योंकि हिम्मत जिसकी खत्म हो जाती है सिचुएशन को हैंडल करने की उसके अंदर ताकत ही नहीं बचती, सोच भी नहीं बचती, क्योंकि जो डर होता है ना वो उस सोच को भी नहीं पैदा होने देता जिससे कि इंसान अपने आप को साबित कर सके। तो अब जब तक बेटा तू इस शनि राहु का इलाज नहीं करती तो जिंदगी में सुखी नहीं हो सकती, ये आंखों वाला हिस्सा भी कमजोर रहेगा, इसीलिए इन उपायों को कर ताकि जल्दी से जल्दी परमात्मा तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाए, तुम्हारे सांस को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, फिजिक को बढ़ाए, इसके साथ तुम्हें बाकी के सारे सुख तुम्हारी अपनी ही सोच पैदा करवा देगी। और उपाय क्या है? 43 दिन लगातार तांबे की थाली के अंदर गुड़ और गेहूं भर के उसको जल प्रवाह कर दो। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुन बादाम लेकर के बेटा दान दे दो, और उसके बाद हर शनिवार के शनिवार एक नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुन बादाम भले ही 4-6 हो बेटा, वो दान देना या जल प्रवाह करना कभी मत भूलना। ये तो हो गया एक उपाय। अब फाइनल उपाय जो तुम्हारी बुद्धि को बहुत बढ़ाएगा, जो प्राणी की बुद्धि को एकदम एक्यूरेट करके और बिल्कुल हर सिचुएशन का हल तुम्हें अपने आप देगा, उसके लिए 43 दिन लगातार ट्यूबवेल की रेत
वो लेकर के मंदिर के अंदर चढ़ा देंगे। जहां बेटा ये तीनों उपाय संपन्न हुए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, सोच समझ बढ़ जाएगी, हर चीज को करने का सलीका अपने आप को आने लगेगा। जो तुम कह रही हो ना मेरे पति वाले हालात और ये काम वाले, जहां से भी मेरे को ना हो जाती है, ये तुम अपनी काबिलियत से स्वयं ही पालो। खुश है दादा। हमारे जीवन में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई कारण जरूर है। तो चलिए, आप सभी का शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अगर आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई कठिनाई का आप सामना कर रहे हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय आप जरूर करें। आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। और गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशी बख्शे। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।